ये जो है टेक्सचर, वो लाइट्स, ये जो है ग्रिल्स, हाँ, और ये स्ट्रीट लाइट्स, ये सब फाइनल में हमारा ये जो है ये ब्लॉक का है, ये फाइनल है, ये फाइनल हो गए। सो फाइनल होने के बाद ऐसा दिखता हमारा वेंचर। साथियों नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, फिलहाल आप है कर्नाटक स्टेट बीदर सिटी में, और ये जो सेंटर ऑफ द सिटी है ना, ये आता आपका अंबेडकर सर्कल। अंबेडकर सर्कल से आपको जाना पड़ेगा इधर ताज ऑटोमोबाइल सागर रेजिडेंसी आ जाएगा, फिर उसके बाद सिद्धार्थ आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज से नांदेड़ रोड है ना, वहाँ से जाना आप लोग। उधर से जाने के बाद ये नांदेड़ रोड यानी कि तो इसी तरह से आगे आना आपको, और इधर एक धरी के नीचे आपको मिल जाएगा हनुमान का मंदिर, चिकपेट एरिया। फिर उसके बाद यही लाइन से आपको सीधा जाना पड़ता है, ये जनवाड़ा रोड आ जाएगा। तो यही लाइन से डॉन बॉस्को एक कॉलेज आता है, फिर एक पेट्रोल पंप आ जाता है यहाँ पर। ओके, पेट्रोल पंप, फिर उसके ठीक थोड़ी थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखेगा ये वाला भवानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फाइनेंस। ओके, जनवाड़ा रोड की तरफ है, इधर है आप उनका जो है मेन गेट है यहाँ पर। इधर से जो है ना दो रोड है, इस तरफ एक जाता है, इधर सेम एक मास्टर प्लान रोड है, बूढ़ा अप्रूव्ड रोड, फिर जो है एक अपना खुद का जो लेआउट में रोड चाहिए ना वो वाला है। ठीक है, ये जो लेआउट देख रहे हैं ना वहाँ का ही है, और यहाँ पे जो है इधर जो देख रहे हैं ना आप लोग, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, इस तरह से जो है वेंचर उन्होंने बनाया गया। सो अब रियल वहाँ का वीडियोस देखिएगा। ए बी सी दोनों, सब तीनों ब्लॉक ऐसे ही हो जाते सर। तो ये ऑफिस है आपका? हाँ, ये ऑफिस है सर, ये सेल्स ऑफिस है हमारा, ए ब्लॉक का सेल्स ऑफिस है। आपको कुछ भी क्वेरीज रहेंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, लिंक डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कुछ भी आपका इंक्वायरी रहेगा, तो आप आके हमारा ऑफिस सेल्स ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं और आके बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ऑफिस कुछ नया यूनिक टाइप में बनाया है? हाँ, यूनिक टाइम है सर, यूनिक पूरा, ऐसा तो कहाँ भी नहीं है इधर। नहीं नहीं तो डेली 300-400 लोग आके फ़ोटोशूट कर लेते, ऐसा है। अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, इधर आप फोटोज़ निकलने के लिए हो गया, वीडियोस निकलने के लिए हो गया, इधर तो लाइन लगता, संडे हो गया तो मिनिमम 500 जन तो इधर फोटोशूट वीडियो निकलने के लिए लाइन रहता, ऐसा है। जो है ये मेन रोड है, औरा टू, ये बीदर टू औरा चिकपेट रोड है। हाँ, NH हाईवे, NH 9 है, ये 20 फीट रोड, 120 फीट वाइड रोड है जी। हाँ, डबल 4 लेन रोड है सर ये। ओके। हाँ, ये पूरा औरत को कनेक्टिविटी है। ये मेन जो एंट्रेंस गेट है ये अराउंड 40 फीट का ये मेन रोड है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में ऐसा एंट्रेंस गेट कहाँ भी नहीं मिलता। ये मेन जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर बना के इसको पूरा ACP शीट लगा के पूरा रेडी करे। एंड MD ऑफ भवानी प्रॉपर्टीज़। ये आपको ये जो वेंचर है इसका नाम है हाईटेक सिटी भवानी नगर। ये है, ये NA बूढ़ा प्रोजेक्ट है। NA बूढ़ा प्रोजेक्ट बोले तो NA बूढ़ा का मतलब क्या है, पूरा सब फैसिलिटीज रहेगी आपको। ये 30 फीट रोड्स है, 40 फीट रोड्स है, ये जो है 30 फीट का है रोड है, और ये जो रोड है 30 फीट है, और जो भी है सब रोड जितने भी हमारे लेआउट में है ये पूरा 30 फीट्स है। प्लॉट साइज कौन सा अवेलेबल है? प्लॉट साइज आपको 30-40 भी है और 30-50 भी है अवेलेबल। और 40-60 नहीं है, 30-40, 30-50 दो प्लॉट्स मिलेंगे, दो टाइप्स के प्लॉट्स हैं अपने पास। ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, पूरा एज पर वास्तु के हिसाब से आपको प्लॉट मिलेंगे सर आपको। ओके, जैसा आप NA बूढ़ा बोले हैं। हाँ सर, तो क्या क्या फैसिलिटीज दिए गए, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप बताइए, जैसे यहाँ पर साइट में क्या क्या वर्क हुआ है और इन फ्यूचर में और क्या होने वाला क्या होने वाला है। हम NA बूढ़ा फैसिलिटीज बोले तो हम आपको मेन जो है बेसिक फैसिलिटी जो है आपका कनेक्टिविटी के लिए रोड रहेगा। ये पूरा टार रोड है, ये 30 फीट का जो रोड है। मेन रोड जो भी रहेगा वो 40 फीट रोड है। मेन क्या है, 30 फीट रोड है, और आपको क्या है UGD का कनेक्शन रहेगा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, ये जो है ना UGD का चेंबर है, और ये जो है ये UGD चेंबर है,
और ये जो है यूजड़ी का पाइप है। आप क्या है, आप कंस्ट्रक्शन, आपका घर का कंस्ट्रक्शन करने कर रहे, तो आपका क्या है यूजड़ी बनाने का ये क्या सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट इसको कनेक्शन कर सकते हैं। okay. और उधर क्या है, हमारा गार्डन के गार्डन में हम एक सेपरेट बड़ा सेफ्टी टैंक बनाने से जो भी है हर एक प्लॉट का जो भी वेस्ट आता वो पूरा यूजली सेफ्टी टैंक में जाता। okay. हाँ, और वो एक फैसिलिटीज़ है। और क्या है, ड्रेन का फैसिलिटी, ये पानी का फैसिलिटीज़ भी है, करंट का फैसिलिटी। हाँ, ये जो है वाटर का फैसिलिटीज़ है इंडिविजुअल प्लॉट को। आपको क्या है, पानी का फैसिलिटीज़ भी आता है इंडिविजुअल, हर एक प्लॉट को पानी आ जाता जी। हाँ, और आपको फुटपाथ की फैसिलिटी है, आप फुटपाथ बना रहा है, और ये 3 फीट का फुटपाथ है। इसके ऊपर और कुछ कर्व? हाँ, उसके ऊपर गार्डन आएगा आपको। okay. और इसके प्लांटेशन भी करें, कोनो कॉर्पस प्लांट्स करें, और कोस्टल पाम ट्रीज है हमारे जितने भी लेआउट है, एक नए तो 5,000 कोस्टल पाम और कोनो कॉर्पस दोनों मिला के 5,000 प्लांटेशन किया है हमारे लेआउट में। इस लेआउट में कितना ब्लॉक है और कितना नंबर ऑफ प्लॉट्स थे? ये जो वेंचर में आपको 3 ब्लॉक है फिलहाल अभी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। हाँ, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक। ये ए ब्लॉक में आपको क्या है, 30-40 का जो रेट है आपको 30 लैक्स है, और बी ब्लॉक में 25 लैक्स है, सी ब्लॉक में 20 लैक्स है। विथ लोन फैसिलिटी आपको बैंक से भी, हम 4-5 बैंक से हमारा टाइप है, तो 4-5 बैंक से हमारा टाइप है, तो वो बैंक से भी हम लीगल क्लियरेंस ऑलरेडी हो गए सो है। आप अगर से हम प्लॉट परचेज किए तो आपको 1 वीक में हम लोन हमारे तरफ से करके दे देते हैं। ओके। हाँ, लोन कितना परसेंटेज तक मिलता है अगर? वो डिपेंड अपॉन ITR के ऊपर रहता है। अगर से आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपके सैलरी स्लिप के ऊपर भी दे देते हैं, और सैलरी स्लिप का रिक्वायरमेंट रहता। और आप अगर से बिजनेसमैन है तो इसके लिए आपको ITR इम्पोर्टेंट है, ITR के ऊपर, और आपका ट्रांजेक्शन के ऊपर कितना परसेंट होता, और आपका सिविल स्कोर के ऊपर आपको कितना लोन होता क्या नहीं, वो सब गवर्नमेंट के ये बैंक ऑफिशियल्स आपको कंफर्म करके दे देते सर। ओके। तो अगर नया यहाँ पर कोई प्लॉट खरीदे तो उनको इंजीनियर का फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा? हाँ, आप अगर से हमारे वेंचर में प्लॉट लेंगे तो आपको प्लॉट लेने से रजिस्ट्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन रहेगा, बिल्डिंग परमिशन हो गया, बोरवेल परमिशन हो गया, और इवन हम कंस्ट्रक्शन में आपको करके देते हैं 2 BHK। ये आपको डुप्लेक्स बोले तो डुप्लेक्स, अपार्टमेंट बोले तो अपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पूरा सुपरविजन भी हम भी करके देते हैं, और पूरा लॉक एंड किक करके आपको दे देते हैं जी। तो सर, जैसा यहाँ पर सिटिंग का ये जो डाले? हाँ सर। तो ये इसे ही कंटिन्यू रहेगा इसे? हाँ सर, ये हर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है बीदर में, हमारे जो हाईटेक सिटी, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो हाईटेक सिटी नाम पे ही है। हाईटेक सिटी भवानी नगर जो भी लोकेशन रहेगा, चिकपेट रहेगा, गुम्पा रहेगा, फिर बाद में कोलार रहेगा, जहाँ लोकेशन है कोलार रहेगा, चुड़गुप्पा है, फिर बाद में इधर अलियाबाद के पास हमारे वेंचर्स है, जहाँ भी रहेगा हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब ऐसे ही रहेंगे, सब प्रोजेक्ट्स में हम ऐसे ही फैसिलिटीज़ देंगे। ये सिटिंग के प्रोविज़न है, आप इवनिंग के इधर हमारा क्या है, एक 5 एकड़ में पूरा गार्डन भी बना रहे हैं। हमारे वेंचर में 3 गार्डन्स है, 3 गार्डन, उसके अंदर 3 टेम्पल है, और क्या है ये बीदर में तो क्या हैदराबाद कर्नाटक रीजन में ऐसा वेंचर नहीं रहना, सब फैसिलिटीज़ देना बोल के पूरा हम सब फैसिलिटीज़, आप कहाँ भी देखो ऐसा फैसिलिटीज़ कौन सा भी लेवल में नहीं दे रहे हम। बैठने के लिए चेयर भी हम खुद नहीं तो एक 5,000 हमारा, एक 5 से 6,000 पूरा चेयर ऑर्डर करे सो ऑलरेडी, 2,000 तो फिक्स हो गया, अभी एक 3,000 पेंडिंग है, वो भी रेडी हो रहे सर। आप फिलहाल कौन सा ब्लॉक में अभी एक्सप्लेन? ये जो है सी ब्लॉक है, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये सी ब्लॉक में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। Okay. जो भी हमारे प्रोजेक्ट के हाईलाइट्स आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो ब्लॉक है ये सी ब्लॉक का है, ये आगे क्या है डी ब्लॉक का भी चल रहा, और उधर ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ऐसा मिनिमम 200 से 300 एकर्स का ये प्रोजेक्ट का हमारा टारगेट है। आप प्लॉट लेते हैं तो स्टार्टिंग में उन लोग नहीं लेते हैं, जब डेवलपमेंट होता है तब उनका मन होता है। हाँ सर। तो अभी आप नया प्लॉट्स डाल रहे हैं ना? हाँ। तो आप क्या सजेशन करना चाहते हैं, रेट का टैग क्या डिफरेंस होता अब और बात? हाँ, अभी क्या है, अभी फिलहाल यही देखो, ये प्रोजेक्ट पे मैं 6 लाख से स्टार्ट किया,
मतलब बुकिंग लिया है, तो अभी फिलहाल ये 20 लाख है। ये सी ब्लॉक का हो गया। बी ब्लॉक में बिफोर डेवलपमेंट इधर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली क्या है लेवलिंग करे सोता। जब भी लोग हमारे पास आके बुकिंग करे 6 लाख से स्टार्ट करा। अभी ये विद इन 6 to ये मिनिमम देखो एक 12 to 14 मंथ्स में ये पूरा मैं प्रोजेक्ट पूरा फाइनल किया। अभी फिलहाल क्या है 20 लाख चल रहा। ये अभी फाइनल डांबर रोड अगर से मेरा टायर रोड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मिनिमम 25 लाख तक तो बिल्कुल जाता सर। जी। तो चलिए सर, अब हम आपका बी ब्लॉक किस तरह से बनाए वहाँ पर देखेंगे, बिकॉज अब सारे लोग देखेंगे प्लॉट वो सब। रोड अभी यहाँ पे अभी कंटिन्यू में है। हाँ सर, फिनिशिंग भी लोग देखना चाहते हैं। हाँ, वहाँ पर उधर चलेंगे। अराउंड 200 से 300 खाली लाइट्स है आपको। ये हमारा हाईटेक सिटी भवानी नगर क्यों रखे बोले तो, एक भवानी टेंपल बनाना है अंदर, एक बड़ा टेंपल, एक गार्डन में एक बड़ा हमारा भवानी टेंकल पे टेंपल बना रहे गार्डन में, इसीलिए भवानी नगर बोल के हमारे प्रोजेक्ट जितने भी है। हमारा फर्म का नाम भवानी प्रॉपर्टीज़ है, भवानी कंस्ट्रक्शन है, भवानी इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग फाइनेंस है, भवानी एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग है। हमारे जितने भी है जो भी बिजनेस है भवानी के नाम पे है, तो इसीलिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है भवानी नगर, भवानी नगर निजामपुर, भवानी नगर चिकपेट, ये जो भी है हमारे भवानी नगर के ऊपर ये 1 एकड़ का है पूरा कमर्शियल प्लॉट रखे सो है। इधर एक शॉपिंग मॉल, इधर जो भी वेंचर में रहने वालों के लिए एक सिटी में नहीं जाना, इधर ही सब उनको सब मटेरियल मिलना। शॉपिंग मॉल हो गया, एक डीमार्ट के जैसा एक पूरा घर के लिए जो भी सामान लगते वो पूरा इधर ही रेडीली अवेलेबल मिलना, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स होना उसके लिए एक बड़ा एक फंक्शन हॉल भी बना रहे इधर, और क्या है एक इस तरफ क्या है एक होटल बना रहे, एक 3-star होटल बना रहे, वो उधर वो साइड में एक होटल का प्लानिंग है हमारा। इधर एक शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स थिएटर का हमारा इधर एक प्लानिंग है। एक 25 acres ए ब्लॉक है समझो। मल्लिकार्जुन जमादार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जमादार ग्रुप्स एंड का रोड है। ये मास्टर प्लान में ऑलरेडी ये रोड छोड़ना बोल के है, इसीलिए हम क्या है 40 feet का रोड बनाए। ये जो है इधर सब रोड 30 feet रोड है। हाँ, और ये आजू बाजू में क्या है हम प्लांटेशन करें। ये कोनो कॉर्पस है, ये क्रिसमस ट्री है, ये जो है कोस्टल पाम है, और इधर क्या है साइड में ओपन ड्रेन करेसो है। हमारे ये ब्लॉक में क्या है ओपन ड्रेन करेसो है, उधर क्या है क्लोज ड्रेन करेसो है। ये जो है सेंटर में ये यूजड़ी है, सेंटर में यूजड़ी छोड़े सो है। ये कहाँ भी जाओ पूरा इधर क्या है 80 feet को 80 feet को एक एक जंक्शन है। कहाँ इधर कहाँ इधर ब्लॉक हो रहे ना उधर एक एक जंक्शन छोड़े सो, इधर एक है उधर एक है उधर एक है, पूरा यूजड़ी पूरा कनेक्टिविटी है। आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, घर बांधना घर का पूरा हम पूरा आप घर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे तो पूरा हम फैसिलिटीज़ करके दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ है ऑलरेडी, स्ट्रीट लाइट फिक्स करे सो है, करंट का सप्लाई है, प्लांटेशन करे, और क्या है यूजड़ी का है मेन क्या है आपका घर का जो भी वेस्ट है पूरा आपको यूजड़ी में छोड़ दे, तो आपको सेफ्टी टैंक बनाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। और क्या है कनेक्टिविटी 40 feet रोड है, 30 feet रोड है, सब आपको रेडीली पूरा आप रेडी इमीडिएट
सी ब्लॉक तक है अमृतसरी देवी। सी ब्लॉक तक इतने रे ना वो मतलब बना रहा हमारे बना ये ए ब्लॉक में ये 2 acres का हमारा 2 acres का गार्डन बना रहे। उसके अंदर एक मंदिर भी है और ये जो है ये फॉक्सटेल गार्डन के लिए बड़ा हाइट वाला ला मंगाया है सर। जो मेन इम्पोर्टेंट रहता है पानी हर एक घर के लिए। हाँ तो अगर आप तो सप्लाई कर रहे हैं तो उसके अलावा पर्सनली कुछ वेल करना या बोरवेल कैसा है? नहीं बोरवेल अच्छा है आपको, वेल से भी वेल करे तो भी अच्छा है, बोरवेल करे तो भी अच्छा है। जगह नहीं लेता। हाँ जगह नहीं लाता, ये बोरवेल करे तो अच्छा है। इसको मेरा 3-3.5 inch पानी है। हाँ ये पूरा हमारा ये जो बोरवेल है ये हर एक प्लॉट को पानी जाने के लिए इधर बोरवेल मारे सो है। ये चालू करो तो पूरा हर एक प्लॉट को पानी जाता सर जी। तो पानी का कंटेंट वो सब फ्लोराइड वो सब बोलते हैं यहाँ पे कैसा टेस्ट? स्वीट अच्छा है ये बहुत वो ये देखो ये 300-400 feet पे आपको पानी लगा आपको और स्वीट भी बहुत अच्छा है। स्वीट पानी है, ड्रिंकेबल वाटर है जी जी। हाँ ओके। तो सर आपका जो मेन इम्पोर्टेंट और एक अब तक डिस्कस करें गार्डन देखेंगे चलिए अभी, और ऑलरेडी घर भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं यहाँ पर। हाँ हाँ वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये रोड देख रहे हैं कितना फीट वाइड है सर? ये 60 feet रोड है सर। ये क्या इस मतलब ये सब 30 feet है क्यों बड़ा लिया है? ये जो मास्टर प्लान में ऑलरेडी जो एवरी 5 year जो मास्टर प्लान बनता है, जो बूढ़ा वाले जो मास्टर प्लान बनाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी वो 60 feet मास्टर प्लान में छोड़ो बोल के ये उन्होंने ऑलरेडी प्लान करे सो है। उसके हिसाब से मास्टर प्लान के हिसाब से इधर 60 feet हमारे लेवल में 3 roads आ रहे हैं ऐसा। एक 60 feet के इधर सी ब्लॉक में एक है 60 feet रोड, बी ब्लॉक को स्टार्ट होने के टाइम पे उधर एक 60 feet रोड है, और जो है मेन एंट्रेंस जो है वो 40 feet रोड है, वो भी मास्टर प्लान में ऑलरेडी छोड़े से है। उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो छोड़ना ही पड़ता। ओके ऐसा है सर। तो ये लेआउट का जो भी पानी जमा होता है यूजीडी हो या फिर ड्रेन वाटर वो कहाँ पर जमा होता है? ये क्या है हम पूरा ए बी एंड सी तीनों ब्लॉक का हमारा एक बड़ा सेफ्टी टैंक बना है इधर। तो इधर पूरा जो भी दिख रहे हैं ना ये जितना है ये नए नए तो ऐसा एक 100 feet है, ऐसा एक 30 feet है, पूरा ये सेफ्टी टैंक बना हुआ है। जो भी वेस्ट आता हर एक घर का बी एंड सी ब्लॉक का जितने भी वेस्ट आता पूरा इधर सेफ्टी टैंक में आके पूरा ये हो जाता स्टोर। फिर इधर से हमारा सेपरेट एक गाड़ी रहता CMC वाले आके इसको पंप करके उठा के दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो सर आपका अभी अपकमिंग ब्लॉक्स और कौन सा है यहाँ? अपकमिंग ब्लॉक्स अभी फ़िलहाल तो ए बी एंड सी तीन ब्लॉक तो मैं पूरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या है इधर डी ब्लॉक है, इधर ई ब्लॉक है, और उधर एफ ब्लॉक है सामने। तो ये अराउंड 100-150 acres का प्रोजेक्ट है और आगे ये अराउंड टोटल हमारा हाईटेक सिटी मिनिमम 300 acres तो हो जाता सर। अभी फ़िलहाल तो हमारा एक 70-80 acres का हमारा प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया चिकपेट में। अभी और पीछे एक 200 acres है। ओके। वो अभी वो डी ब्लॉक ई ब्लॉक एफ ब्लॉक इधर का जो है पूरा कटिंग हो गया डी ब्लॉक का और इधर का अभी ये वाला डी ब्लॉक है सर। ये पूरा हमारा पूरा रोड कटिंग हो गया सो है। ये क्या है बारिश की वजह से थोड़ा काम स्लो है। ये बारिश जैसा बारिश में भी हम काम कर रहे हैं डे टू डे सुबह 6 बजे से पूरा जैसे जैसा बारिश रुकता है वैसा वैसा हमारा काम कहाँ भी नहीं रुका है सो है, कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं। ये अभी रोड कटिंग का है,
रोड कटिंग ऑलरेडी हो गए, सो इसको अभी क्या है लेवलिंग करके डिमार्केशन करते हैं। हमारे पास डी ब्लॉक का भी 50% प्लॉट सोल्ड आउट हो गए सर। अभी डी ब्लॉक में अभी 50% बचे सो है। क्या रेट तक वहाँ पर? अभी उधर 15 लाख है जी। हाँ, सेम इसी तरह से बनाए, सेम इसे भी अच्छा बनाने का है। जैसे जैसे हमारा लेआउट जाते पीछे जाते ना, जो जो हम उधर बी ए ब्लॉक में, जो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में जो भी मिस्टेक्स हम करें, ये पूरा हम करेक्शन करते जा रहे हैं। अभी हम क्या करें, ए ब्लॉक में जो नहीं था वो पूरा हम बी ब्लॉक में बनाए, बी ब्लॉक में जो नहीं था पूरा सी ब्लॉक में बनाए, फिर बाद में सी ब्लॉक में जो जो हमारे प्रॉब्लम्स आए, जो जो हमारे को ये करने का है, जो जो नया नया जो भी आ रहा हम पूरा करते जा रहे।